गाइस वेलकम बैक। आ चुके हैं वापस से फ्री फायर के मैदान में और देखो गेम खोलते ही क्या खतरनाक तस्वीर मुझे यहाँ पे देखने को मिली। केओस रिंग वाला इवेंट चल रहा है आजकल गेम में, जिसमें अलग अलग चीजें आ रही है। बाइजन फिलहाल इन्होंने दे रखी है बिल्कुल नहीं, एक ऐसी बंदूक है जो बहुत ही कम लोग यूज करते हैं, बहुत ही कम लोग। ये एक ऐसी बंदूक है ना गाइस जिससे हेडशॉट बहुत ही कम लगता है। मैं तो अपना ड्रैग बटन को सीधे स्वर्ग लोग भी अगर पहुंचा दूं ना तो भी हेडशॉट नहीं लगता है। फिलहाल यहाँ पर देखो गाइस क्या गजब का लुक इन्होंने बना दिया है बाइजन का, बहुत ही ओपी है। पहले से कितनी सिंपल लगती थी ना, प्लास्टिक टाइप की, लेकिन अब तो क्या ही बना दी भाई इन्होंने। बस मैं चाहता हूँ जितना खतरनाक इसका लुक है ना, उतना ही खतरनाक अगर इसका गेम प्ले भी हो जाए तो भी तो मजा आएगा ना भाई। चलो गाइस आज हमारे पास हमेशा की तरह बहुत सारे डायमंड्स हैं, पर आज हम लोग बाइजन निकालेंगे और उसके साथ एक गेम प्ले भी करेंगे। फिलहाल यहाँ पे इन्होंने एक बंडल भी भेज रखा है KOs, मैं पिछली बार चोज बोल रहा था ना, चोज रिंग, चोज नहीं है। आप लोगों ने कमेंट किया था बैज भाई वो KOs है, तो मैंने कहा ठीक है भाई KOs बोल देंगे। ओ भाई ये तो अपना लुक चेंज कर रहा है, ये देखो ये भी नॉर्मल है कैरेक्टर के साथ, और ये देखो ये क्या बंडल दे दिया भाई, डेविल मोड के अंदर एंट्री हो जा रही क्या इसकी। ये बंडल गाइस कुछ नेक्स्ट लेवल होने वाला है भाई, जल्दी से गाइस इसको हम निकालते हैं। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पे एक बैकपैक भी दे रखा है शायद ये। अरे भाई बहुत ही स्केरी है यार, सब कुछ बहुत ही डेंजरस इवेंट इस बार ये लोग निकाले। चाकू तो नॉर्मल सा है, चलो फटाफट से चारों चीजों को मैं निकाल लेता हूँ, देखते हैं कितने डायमंड्स आज हमारे इस पे लगेंगे। तो यहाँ पे 300 टोकन्स मुझे कलेक्ट करने पड़ेंगे इस बंडल के लिए, सो लेट्स गो। अरे पहली बार में ही चाकू निकल गया, क्या बात है, अगर बंडल निकलता तो आता ना वैसा असली मजा। देखो मैंने चाकू की तारीफ नहीं की थी ना, इसलिए मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत जल्दी दे दिया, बहुत चला गया भाई फ्री फायर। इस बार दोबारा से गाइस कॉन्ग्रेचुलेशन लिख के आया, लेकिन इस बार यार बैकपैक दिया उन्होंने, चलो दोबारा से स्पिन करता हूँ। ओह कुछ भी नहीं निकला, इसका मतलब ना बहुत सारे डैमेज लगने वाला है मुझे ऐसा लग रहा है ये बाइजन में। ये देखो इस बार भी कुछ नहीं निकला और अभी तक मेरे पास बस 120 टोकन कलेक्ट हुए। फटाफट से अभी मैं स्पिन करते जा रहा हूँ। अरे यार इसमें भी नहीं निकला। गाइस आप लोग कैलकुलेट करके मुझे बता दीजिए लास्ट में कितना डैमेज लगे। अरे यार रिपीट आ गया ये, धिक्कार है हम पर। चाकू ये नहीं चाहिए भाई, अभी तो मेरे पास 250 टोकन भी नहीं हुआ है जिससे कि मैं अपनी बाइजन बंदूक निकाल पाऊँ। ये देखो दोबारा से स्पिन करता हूँ गाइस। अरे अब तो दूर दूर तक चाकू भी नहीं निकलना है, एक ही बार आया था चाकू भी। फटाफट से गाइस मैं स्पिन करता हूँ, मुझे वेट ही हो रहा है बंडल के लिए। आ भी जा। अरे वैसे मेरे पास देखो बाइजन के लिए तो टोकन कलेक्ट हो गए। अरे यार दोबारा से बैकपैक, क्या करूँगा ये बैकपैक का मैं। चलो एक काम करता हूँ ना गाइस, पहले बंडल निकालते हैं उसके बाद बाइजन निकालेंगे। मेरे को बस थोड़ा सा स्पिन और करना पड़ेगा और आखिरी स्पिन। और देखो अब मेरे पास यहाँ पे 313 टोकन्स कलेक्ट हो गए, तो इसको मैं एक्सचेंज कर लेता हूँ। और ये रहा हमारा केओस वाला भयानक बंडल भाई। बाप रे ओरे गजब भाई, इसको ले मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, इक्विप कर लेते हैं इसको। लेकिन अभी एक काम और बाकी है दोस्तों, ये देखो 250 टोकन्स की हमको और ज़्यादा ज़रूरत है, तब जाकर हमको ये बाइजन मिलेगी जिसके लिए इस इवेंट पे मैं आया था। बंडल तो समझ लो मुझे एक बोनस टाइप का मिल गया। वैसे गाइस स्पिन करता हूँ, पता नहीं कितने सारे डायमंड्स मैंने लगा दिए होंगे, बहुत सारे स्पिन कर दिए भाई, और सारे स्पिन मैं 200 के कर रहा हूँ जिसमें एक स्पिन फ्री मिलता है। फिलहाल दोबारा से कॉन्ग्रेचुलेशन लिख के आ लेकिन यार इस बार भी बेकार है भैया, ये स्पिन में तो हमारी ड्रेस और ये बाइजन तो निकालेंगे नहीं, इसको हमको एक्सचेंज ही करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है मेरे को। ये देखो कितने सारे मैंने स्पिन कर दिए और चाकू पे चाकू आया जा रहा है। आजा, 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 आजा। बस आई थिंक 3 या 4 स्पिन और करने पड़ेंगे मुझे, फिर मुझे एक्सचेंज करने के लिए टोकन्स मिल जाएंगे। देखो मेरे पास 200 टोकन्स हो गए हैं, बस मुझे 35 टोकन्स और चाहिए, तो एक स्पिन करता हूँ, कैश पे बात बन जाएगी। नहीं बारह एक स्पिन करता हूँ। अरे यार बस एक टोकन चाहिए, एक टोकन, तो एक काम करता हूँ 20 का स्पिन करता हूँ। बाकी सारी चीजें तो मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में निकाल लिया था,
अरे भाई ये आ गया गाइस हमारा न्यू वाला बंडल। तो चलो गाइस अभी हम लोग फुल रेडी हो गए हैं और अब जाकर मैं सीधे लगाता हूँ एक गेम जिसमें हमारी बाइजन निकले। यार रैंक गेम में ना बाइजन बहुत कम मिलती है और खासकर तब जब मुझे ये मिशन कंप्लीट करना पड़ता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ एक बार CS रैंक लगाता हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिलती है बाइजन। चलते हैं गाइस सीधे रैंडम प्लेयर्स के साथ और क्लिक करते शुरू हो गया भाई। इस बार मैंने एक भी गेम नहीं खेला इस वाले सीजन में, तो क्या इस बार बाइजन आई है? अरे यार बाइजन नहीं आया गाइस इस बार। वैसे मैं सोच रहा हूँ ना दोस्तों, सबसे पहले बाइजन हमको एक जगह मिल सकती है, वो है हमारा ट्रेनिंग ग्राउंड। तो वहां पर जाकर हम लोग अपने बाइजन को थोड़ा टेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद गेम में भी चलकर उसको देखेंगे। क्या बात है सर। तो देखो अभी मुझे उतरते ही एक बाइजन मिल गई, एक यहाँ से खरीद लूंगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात है अरे घर की बात है भाई। चलो गाइस टेस्ट करते हैं। ओह नो भाई, ये अभी भी येलो नंबर मार रही है क्या? क्या मैं चला ही नहीं पा रहा हूँ? ओके अभी पड़ा हेडशॉट। एनिमी पे जाके भी टेस्ट कर लेता हूँ। ओके तो आ चुके हैं ट्रेनिंग ग्राउंड्स में और ये रहा बंदा, देखो सामने पहले ही मर गया। देखो ओह हेडशॉट तो लगा गाइस, काफी लॉन्ग रेंज में ओनली रेड भाई। बाइजन जैसी है, मतलब ये बाइजन जैसे बाइजन है ना गाइस, एकदम बकवास बंदूक लगती है मुझे। अरे भाई देखो दोनों को रेड पड़ा, पता नहीं कैसे पड़ा। ये देखो इसको भी है। चलो यार अभी क्लैश स्क्वाड गेम के अंदर आ गए, बस अब बाइजन मिल जाए ना तो मजा आ जाए। ओह फाइनली मिल गई भाई, बाइजन मिल गई, बहुत बढ़िया। बस हमको ना गाइज कम से कम 2 kills करने पड़ेंगे तब हमको अगले राउंड में बाइजन मिल जाएगी, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं यार, तब जाके आजमाएंगे ना हम अपनी बाइजन को। एकदम फद्दू बंदूक यार मुझे लगती थी बाइजन, पर आज ये अपनी शक्तियों को साबित करेगी। अगर इसने आज एक भी हेडशॉट मार दिया ना, मान जाऊंगा भाई बाइजन तू एकदम प्रो है जिसके चांसेस बहुत कम है। फिलहाल तो गाइस ये लोग अलग अलग डायरेक्शन में बिखर गए हैं सामने वाले, और एक का शायद नेट गया हुआ है। ये देखो मैंने ड्रोन में देख लिया था, तो इसको तो मैंने उड़ा दिया। या तो अभी चाय मांगने गया होगा अपनी मम्मी के पास, या फिर सही में नेट चले गया होगा। बाकी देखो दूसरा प्लेयर है, और यार किल चुराने की पूरी कोशिश थी लेकिन चुरा नहीं पाएगा। इस 2 बंदे अभी बचे हैं, मैंने ड्रोन पे देखे थे इस साइड को भागे थे वो लोग। ये देखो शायद इन्होंने लूट भी लिया। अरे यहाँ से फायरिंग की आवाज़ आ रही है। चलो ले भाई अपने दोस्त को पेल दिया 1 tap मार के, लेकिन हमको मानना इतना आसान नहीं है भाई। ट्रिपल किल करने का मौका है मेरे पास उसे। क्या मजे में नहीं चले जा रहा है ये सोनिया भी खत्म भाई। सोनिया गिरी नहीं चलेगी हमारे सामने, समझा के नहीं। ऑलराइट तो अब जाकर गाइस हम लोग बाइजन, क्या हम तो शॉटगन भी खरीद सकते हैं, लेकिन नहीं हम लोग को खरीदनी होगी बाइजन। ये देखो अपने दोस्त ने खरीद के दे दी दीपक ने, तो क्या डबल बाइजन चलाऊं क्या? चलो कोई नहीं गाइस, अब अगर इसने हमको दे दी है तो जलवा भी दिखाना ही पड़ेगा बॉस। डेविल वाला बंडल लेके गाइस आ गए हैं। अरे यार थोड़ा दूर हो गया ये, दिया दिया एक को तो हेड दिया गाइस मेरे भाई। ये लोग तो घुस के मार रहे हैं बहुत जोश में आ गए टीममेट। ये देखो अभी इसने पीछे से ना 2-2 हमारे बंदे बजा दिए। तेरी तो तू 1 tap वाला बंदा है ना, हमारे सामने नहीं चलेगी तेरी 1 tap गिरी। ये देखो भाई देखो वो दोनों बंदे ना एकदम फ्रंट में जा रहे थे मारने के लिए, लेकिन सबसे पहले नॉक हो गए। अब इनका आखिरी बंदा बचा लेकिन कहाँ पे? अरे 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 दादा रे भाई ऊपर चढ़ा हुआ था वो, दोनों को नॉक कर दिया था। देखो 1 HP रह गया था मैं। ऑलराइट तो गाइस अभी मैंने 2 rounds क्लियर कर लिए हैं जिसमें बाइजन का परफॉर्मेंस ठीक ठाक था, मतलब उतना मुझे मौका नहीं मिल पाया चलाने का। एकदम क्लोज रेंज में अगर कोई आए ना तो आएगा मज़ा, मतलब ये समझो कि मुझे एनिमी से जाकर गले मिल जाना है, उसके बाद उसके सर पर रखनी है बाइजन, तभी तो मज़ा आएगा। चलो फिलहाल मैं ग्लू वॉल वगैरह खरीद लेता हूँ, बस एक ही ग्लू वॉल। चलो कोई बात नहीं, इसे काम चला लेंगे, लेट्स गो। ये देखो सामने बंदा है लेकिन ये शायद बॉट बन चुका है। अरे यार अरे भाई ओनली रेड, कभी कभी तुक्का लग जाता है। इसको भी
एक दो हेड मैंने धर दिए हैं इतनी दूर से, और उस तुमने दिमित्री ऑन कर दिया क्या बे? तेरी दिमित्री बचा पाएगी तेरे को? मैंने गाइस अपनी मकड़ी वाली पावर भेज दी, लेकिन ये मकड़ी किसी काम की नहीं है। देखो कहाँ भाग रही है जोन के बाहर। अबे मकड़ी पागल है ये मकड़ी गाइस, बंदा यहाँ पे छिपा है, वो पता नहीं कहाँ भाग गई जोन के बाहर। अब मुझे ये कुछ करना पड़ेगा। अरे भाई शॉर्ट गन लेके आए ये तो। अरे भाई यार क्लोज रेंज में बहुत कम हेडशॉट पड़ते हैं भाई, जैसे ये इसका डिफॉल्ट, ये इसका फॉल्ट है। लेकिन शायद अपना ये बंदा जिता सकता है। ट्रिपल टेक डाउन कर दिया भाई इस वाले बंदे ने। झंडा दिखा रहा है, अच्छा भाई इसका ये झंडा ना अब इसकी जेब में डालना पड़ेगा। अब तो गाइस मुझे रिवेंज लेना ही पड़ेगा, पता है मैं किससे रिवेंज लूंगा? शॉटगन का जवाब हम देंगे सीधी EWM से। बाकी बाइजन तो गाइस मैंने रखी हुई है। इमरजेंसी सिचुएशन में ना गाइस ऐसे भारी भरकम वेपन चाहिए रहता है। जैसे आप लोग देख रहे हो बार बार दो लोग इकट्ठे चढ़ जा रहे हैं मेरे सर के ऊपर, और बेचारी मेरी अकेली बाइजन क्या ही कर लेगी। इसलिए अभी मेरी बाइजन को बैकअप देने के लिए आ चुकी हमारी EWM। चलो अभी सामने जाकर इनका गेम बजाते हैं। ओके यहाँ पर रहता हूँ, उसने ग्लू बॉल पहले लगा दिया। देखो ये रहा शॉटगन वाला बंदा। और अरे यार बस इसका हेड दिख जाए ना, सीधे हेड दूंगा, लेकिन वो शॉटगन वाला है तो हेड दिखाएगा नहीं। ये देखो मेरे को लगा कि इसका ओके गाइस शॉटगन वाला प्लेयर गया। मैं अपनी मकड़ी पावर यूज कर लेता हूँ। एस होने वाला था लेकिन मौका नहीं मिल पाया, पहले दोस्तों घुस गए। बट एनीवे काफ़ी ओपी गेम प्ले गाइस। आई होप गाइस आपने आज की ये वीडियो एंजॉय करी होगी। आप लोगों को ये नई वाली बाइजन कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलो आज के लिए गाइस इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा।